समस्तीपुर जिले के भोला टॉकी चौक के पास दो गुटों में मारपीट हुई और गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक अनजान मुसाफिर को बाएं पैर में गोली लगी जिससे वह जख्मी हो गया। घायल व्यक्ति को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जख्मी युवक वारिस नगर के नागर बस्ती गाँव का रहने वाला मोहम्मद बिट्टू है। पिता मोहम्मद लतीफ है। उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। समस्तीपुर जिले के कृषि अनुदान राशि भ्रष्टाचार मामले में सस्पेंड सहायक कृषि पदाधिकारी रमेश पांडे द्वारा इंटरव्यू लेने के दौरान टीवी पत्रकार संजीव नैपुरी का कैमरा तोड़ देने एवं हमला करने के आरोप की गिरफ्तारी एवं तमाम पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग को लेकर आज शहर की गायत्री कॉम्प्लेक्स के हाथों में नारे लिखे तख्तियां एवं मशाल लेकर जुलूस निकाला, जो मुख्य मार्गों से गुजरते हुए नारे लगाते हुए स्टेडियम गोलंबर पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। समस्तीपुर जिले में पत्रकार के हमले वार को गिरफ्तार करने की मांग पर माले ने विरोध मार्च किया। सरकारी अनुदान की राशि का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड जिला सहायक कृषि पदाधिकारी रमेश पांडे से उनके कार्यालय में इंटरव्यू लेने गए टीवी पत्रकार संजीव नैपुरी व अन्य को गाली गलौज कैमरे छीन कर तोड़ देने एवं हमला करने के आरोप रमेश पांडे को गिरफ्तार कर जेल में बंद करने पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले पर रोक पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी आदि मांगों को लेकर मोतीपुर विश्वकर्मा स्थान से भाजपा माले के झंडे बैनर तले मांगों से संबंधित नारे लिखे तख्तियां हाथों में लिए माले कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, जो मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए गांधी चौक पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गया। एक ससुर दामाद को 10 लाख रुपया का नाजायज लाभ दिला दिया और उस लाभ में जब उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, लोग पूछने के लिए गया तो पत्रकार संजीव नैपुरी एवं अन्य पत्रकार पर हमला कर दिया। इस हमला के खिलाफ उस पर FIR दर्ज किया गया है। हमला करने वाले पदाधिकारी का नाम रमेश पांडे है। हम लोग मांग करते हैं कि रमेश पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही कृषि कार्यालय में किसान के सवाल पर जो वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान के ट्रैक्टर में, किसान के बोरिंग में, किसान के मोटर में, किसान के खाद बीज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। समस्तीपुर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा पिछले 6 दिनों से किए जा रहे अनशन के समर्थन में भारत सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष एकलाकुर रहमान सिद्दीकी ने कहा कि किसानों की सुध लेने के लिए कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं, जिससे अनशनकारी किसान नेता की हालत बिगड़ती जा रही है। मौके पर NSUI के जिला अध्यक्ष प्रशांत पाठक ने कहा कि इस लड़ाई में सबके द्वारा बैनर तले बैद्यनाथ जी 6 दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे है। सरकार द्वारा अब तक सूदी लेने के लिए नहीं आई, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सरकार के विरोध में पुतला दहन किया है। क्योंकि आज देख रहे हैं कि हर देश में यूपी में बगल में हर देश के किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिहार के किसानों का क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि बिहार के भी किसानों का कर्जा माफ हो और दूध का उचित लाभकारी मूल्य मिले किसान को। आज देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से किसान परेशान है। भारत की 70% आबादी जो कृषि पर आधारित है, इसको कहीं ना कहीं ये सरकार निग्लेक्ट कर रही है। इसके लिए आज हम लोगों ने कांग्रेस के पार्टी के बैनर के तरह नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और इस सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं होगी, किसान के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और हम ये भी बोले एकलाकू रहमान सिद्दीकी
राजीव गांधी पंचायती राज जिलाध्यक्ष। जो है किसानों के द्वारा अनशन किया जा रहा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर एक विंग समर्थन में है और हम लोग इसके समर्थन में आज यहाँ पर उद्घाटन किए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम छात्रों और युवाओं से अपील करता हूँ कि यहाँ पर जो अनशन हो रहा है उसमें मंच पर आइए और किसान नेता के समर्थन में और किसानों की कर्ज माफी को लेकर के जो वो अनशन कर रहे हैं इस पर तमाम जिले के जितने भी छात्र और युवा हैं वो सब उनके पास आए और वहाँ पर रह करके किसानों का हौसला अफजाई करें। मैं प्रशांत पाठक NSUI का जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। धन्यवाद। मोदी सरकार होश में आओ, किसानों का कर्जा माफ करो, सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समस्तीपुर जिले में शतरंज संघ के तत्वाधान में आज शुक्रवार से दो दिवसीय खुली प्रतियोगिता शहर के लाल कोठी परिसर में प्रारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन DM शतरंज संघ के अध्यक्ष प्रणव ने दीप प्रज्वलित एवं शतरंज खेल कर दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सबको संबोधन में कहा कि शतरंज के खेल से युवा वर्ग का मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि अन्य खेल की तरह शतरंज के खेल में भी जिले के खिलाड़ी अव्वल बने। चेस एसोसिएशन को बुके अनस रिजवान ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन देंगे। ऐसा खेल रहा है जो कि मैक्सिमम देशों में खेला जाता है और सबसे प्राचीनतम खेल है। इस खेल की उपयोगिता और खेल की महत्ता इस बात में है कि बहुत प्राचीन खेल होने के बावजूद आज भी उतनी ही शिद्दत और उसी तरह से लोकप्रिय है जैसे पहले हुआ करता था। और ये हम लोगों के लिए दुखद बात थी कि इस जिले में चेस एसोसिएशन ढंग से संगठित नहीं था, टूर्नामेंट नहीं आयोजित हो पाते थे, लेकिन चेस एसोसिएशन के जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं, डॉक्टर अभिलाषा सिंह हैं, प्रिय दर्शन जी हैं, जहांगीर आलम हैं, अनीस रिजवान जी, रिंकी सिंह, पंकज ठाकुर, सोनी सिंह, हरेंद्र जी, रजा अहमद, मनोज जायसवाल, इन लोगों ने एक शुरुआत की है और शतरंज के विकास को लेकर के निश्चित रूप से लगातार इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के खेल, इस तरह के आयोजन होते रहेंगे जिससे यहाँ के बच्चों को और सभी लोगों को जो भी इसमें प्रतिभाग करते हैं, जिनकी भी इसमें रुचि है, निश्चित रूप से फायदा होगा। और वैसे भी बच्चे जो इससे रुचि नहीं रखते हैं उन्हें भी इस गेम को जानने का, समझने का मौका मिलेगा और अपनी रुचि डेवलप कर सकते हैं। तो इतने बढ़िया शतरंज चैंपियनशिप के आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन भविष्य में भी आगे अच्छा कार्य करता रहे इसके लिए मैं अपनी शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज न केवल समस्तीपुर और बिहार में, पूरे देश में किसान आंदोलित है। आज इनकी समस्या के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई किसी लाइन में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करना जरूरी है, अच्छा दूध मिलना जरूरी, काम करना चाहता हो स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के बगैर और दूध के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। समस्तीपुर में दिनांक 12/2/2018 को राजद के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर बस पड़ाव में किसानों व पशुपालकों की समस्या को लेकर आहूत किए जा रहे बेमियादी आमरण अनशन स्थल पर जाकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया और अनशनकारियों से मुलाकात कर उन्हें अपेक्षित सहयोग का भरोसा दिलाया। राजद विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार दोनों ही किसान विरोधी, पशुपालक विरोधी व गरीब विरोधी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से विगत 3.5 साल से लगभग 20,000 से अधिक किसानों की आत्महत्या की है।